हे गाइस, मैं हूँ मेघा। आप देख रहे हैं मेघा शिप्स इन न्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट कीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए। तो देखते हैं बिग बॉस 12th का डेट 10। डे 9 था उसमें जोड़ी टॉर्चर कर रही थी सिंगल्स को, और डे 10th में सिंगल्स को टॉर्चर करना था जोड़ीज को। वही समुद्री लुटेरे टास्क का सेकेंड पार्ट था। समुद्री लुटेरे टास्क का पहला पार्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ था, और दूसरा तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। जो कर्मा हिट्स बैक, वैसे जो आपने किया था वो तो रिटर्न होना ही था। थोड़ा तो आपको सफ़र करना ही पड़ेगा जो आपने किया है। डे 10 स्टार्ट हुआ, वो ही हम भी है जोश में, बातें कर होश में। बिग बॉस भी सिंगल्स को बोल रहे थे कि जोश में रहो और सामने वालों को बोलो बातें होश में करने को। ऐसे ही वो सिचुएशन के हिसाब से ही वो सॉन्ग था। उसके बाद मॉर्निंग सब लोग एक दूसरे को मस्का लगाते हैं। सोमी आके सृष्टि को बोलती है, हाँ आई लव यू सृष्टि, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। सृष्टि बोलती है, मुझे फ्रेश होने दे तो तब मैं तुम्हें पैर दिखाऊंगी। जो कल का पैर दिखाया है आप लोगों ने, मुझे भी तो मेरा पैर दिखाना चाहिए, सृष्टि बोलती है। उसके बाद बाकी सब लोगों का भी उसी बात पर डिस्कशन चलता है, क्या करने वाले है, क्या कुछ करने वाले है। और वो तो जोड़ीज तो इतने डरे हुए हैं, सब सामान वामान इधर उधर छुपा रहे, क्या क्या कर रहे हैं। उनका भी वार्डरोब खोल के सामान छुपा रहे हैं। सोमी सबा आके दीपक को बोलती है करण के वार्डरोब से, करण का जो साइड है उससे कुछ तो निकालो, सामान रखो, ट्रिमर ले लो, है क्या देखो। उसमें ही उनका डिस्कशन चलता है। श्रीशांत भी बोलता है जो उन्होंने किया है हमें तो करना ही पड़ेगा, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा किया था, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन नेहा भी सेम बोलती है, हम इधर फ्रेंडशिप खेलने तो नहीं आए हैं, अच्छे अच्छे खेलने के लिए नहीं आए हैं, टास्क तो हमें करना ही है, इंसानियत बोल के उन्होंने। और वो लोग रुके नहीं है तो हम क्यों रुकेंगे। तो बिग बॉस बोलते हैं समुद्री लुटेरे टास्क में जो जोड़ीज है उसमें से आपको जो चाहिए वो आप चॉइस कर सकते हैं, जिसको चाहिए जोड़ीज में से आप एक को आपको लेना है। और सिंगल के ऊपर ये फैसला बिग बॉस की जो चाहिए वो कंटेस्टेंट जोड़ी में से आप ले सकते हैं। वो तो बहुत ही अच्छा लगा था सिंगल्स को, क्योंकि सिंगल सोच रहे थे अगर बिग बॉस ने दिया तो कौन देगा, कौन देंगे बिग बॉस, ऐसे सोच रहे थे। लेकिन चॉइस तो उनको उनके ऊपर थी। श्रीशांत आज भी अनफिट था तो बिग बॉस बोल देते हैं श्रीशांत नहीं खेल सकते लेकिन बाहर से एडवाइस दे सकते हैं। श्रीशांत बोलता है हम सबा और सोमी में से सोमी को ले लेंगे। सब लोग बोलते हैं सबा थोड़ी सी वीक है, सबा को ले लेंगे। लेकिन श्रीशांत एकदम करेक्ट बोलता है, सब सोमी को लेना चाहिए। सोमी थोड़ी देर ही खेलेगी लेकिन उसकी वजह से सबा बहुत ही झगड़ा करेगी, बहुत झगड़ा करेगी। और हुआ भी वैसे ही, सबा ने जो झगड़ा किया, झगड़ा नहीं वो क्या कर रही थी, इतनी गालियाँ दे रही थी दीपिका को, इतना कुछ बोल रही थी, डायन हो तुम, सती सावित्री हो तुम, ऐसी तुमने औकात दिखा दी, कैसी हो तुम, कुछ कुछ बहुत कुछ बोल रही थी वो, चुड़ैल हो। एक्चुअली जोड़ी के लोग सब लोग ही बोल रहे थे, जसलीन भी बोल रही थी, सबा भी बोल रही थी, सब लोग दीपिका के ऊपर ही गुस्सा थे। वही बात एक देखने लायक थी, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम सोमी को सिलेक्ट किया। सोमी के सिलेक्ट करने बाद पहले तो आए थे नेहा और करण। नेहा और करण ने तो उसको नहलाया, बहुत सारा शैम्पू हाथ से ही लगाया, हाथ से उसको इधर उधर ऊपर से पानी डाला और पूरा मुंह में वो फॉग डाल रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो डायरेक्टली मुंह में डाला ही था, इतना थर्ड डिग्री जैसे वो पानी कल फेंक रहे थे। और आज कृति को भी, जो संचालक थी, तो वो तो बहुत ही अनफेयर थी, उसको एक चांस था कल खुद को प्रूव करने का, लेकिन कृति ने पूरा वो गंवा दिया है। और कृति की वजह से रोशनी ने भी, और रोशनी स्ट्रांग होके कुछ तो स्टैंड ले सकती थी कृति के खिलाफ, कृति तुम ऐसे नहीं कर सकती, ऐसे नहीं बोल सकती, तुम्हारा अकेले का डिसीजन नहीं है, हम दोनों सोच के डिसीजन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कृति जो मन में आता था वो बोलती थी, आप हाथ कैसे लगा रहे हो, और सब लोग बोल रहे थे आप हाथ कैसे लगा रहे हो। तो करण एकदम अच्छे से बोलता है, आप लड़के हो के हाथ कैसे लगा रहे हो, सभा बोलती है। तो करण एकदम अच्छे से बोलता है, तो क्यों, आप लड़की हो के मुझे हाथ लगा सकती है और मैं नहीं लगा सकता। वो हंसी की बात थी, क्योंकि वो तो लड़के बहुत सारे हाथ लगा रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, उन्होंने कल सोडा लगाया था, गार्लिक लहसुन लगाया था, मसाले लाए थे, ओनली चिली पाउडर नहीं था उसमें, लेकिन सब लाए थे वो लोग। और
वो चीज़ों से उनको अच्छा लग रहा था, वो चीज़ें जब वो कर रहे थे तो उनको अच्छा लग रहा था, और आज ये शैम्पू की वजह से उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, ये कितना क्रूयल है, इतना कितना गिर चुके हैं ये लोग टास्क की वजह से, ऐसे वैसे बहुत कुछ बोल रहे थे वो। और इसकी वजह से हम जो कर सकते हैं वो सही और आप जो करते हो वो बुरा, ये उनका जो फंडा है वो देखने को मिला। जैसे हम बिग बॉस मराठी में देखते थे, कल किस किस को रेशम की याद आ रही थी, क्योंकि रेशम की टीम भी हमेशा वैसा ही करती थी जो कल जोड़ियों के टीम में हो रहा था। हम जो कर रहे थे वो बहुत सही था, और आप जो लोग जो कर रहे हो बहुत ही गलत है, ऐसे ही वो बोल रहे थे। उसके बाद सोमी थोड़ा इरिटेट हो जाती है, जो नेहा का फंडा था वो उस काम कर जाता है। नेहा जो एक तो फॉग नाक में मुंह में पूरा फॉग चला जाता है उसके, और नेहा जो ऊपर से पाउडर फेंक रही थी, पाउडर की वजह से उसको ब्रीदिंग करने नहीं आ रहा था, और वो झट से उठ जाती है और सब दीपिका के ऊपर ही गुस्सा हो जाते हैं, दीपिका ने ही किया, दीपिका ऐसी है, दीपिका वैसी है। एक्चुअली सब लोगों ने किया था, नेहा भी कर रही थी, करण भी कर रहा था, लेकिन सबको दीपिका को ही टारगेट करना था। दीपिका को बिना वजह से वो डांट रहे थे, बिना वजह से वो इतना बोल रहे थे। ऐसा नहीं है दीपिका ने कुछ किया नहीं था, लेकिन बाकी के लोगों ने भी तो किया था, बाकी के लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। सेकेंड अनूप जी और जसलीन में से जसलीन को चूज करते हैं जोड़ी वाले, और जसलीन तो पता ही था हमें ज्यादा देर नहीं टिकने वाली, तो जसलीन को भी सेम फॉर्मूला अपना लेते हैं, इधर उधर कुछ लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, ऊपर से शैम्पू करते हैं, बहुत सारा फॉग मुंह में डालते हैं, तो जसलीन एकदम उठ जाती है और जो जोर से बोलती है टास्क फिनिश करते समय दीपिका को, तुम क्रूयल हो, ऐसी हो, ऐसे गुस्से से बोल के निकल जाती है। लेकिन जसलीन को ये पता नहीं है कि कल जो उनका रूप दिखा है वो कुछ काइंडनेस का तो बिल्कुल ही नहीं था, और वो गुस्से से उठ जाती है। तीसरा शिवाशीष आ जाता है, शिवाशीष तो वो गर्ल से भी बदतर खेला, एकदम एकदम किसने सबसे घटिया गेम खेला है तो शिवाशीष ने खेला है, जो इतना बॉडी बिल्डर बना फिरता है, लेकिन हाँ मुझे नेल लगा बोल के इतना गुस्सा हो जाता है, नेल की वजह से मैं हर्ट हुआ, बहुत हर्ट हुआ। और कृति को प्यार आ जाता है शिवाशीष पे, उसका तो हमेशा ही है थोड़ा सा शिवाशीष के पीछे पीछे चलना, शिवाशीष भी उससे ज़्यादा बात करता है, सॉफ्ट कॉर्नर है ही कृति के मन में। और कृति बोलती है देखो देखो इधर अभी दिख रहा है, फेस पे दिख रहा है, कल उन्होंने हाथ नहीं लगाए थे, कल उनको नेल्स नहीं लगे होंगे, नेहा ने और करण ने तो एक बार भी कंप्लेन नहीं की थी, कितना सारा वो फॉग डाल रहे थे, आटा डाल रहे थे, उसके बाद पाउडर फेंक रहे थे, बहुत सारा कुछ कुछ फेंक रहे थे नेहा लोगों के ऊपर, लेकिन हाथ से लगा रहे थे, कितना जोर जोर से लगा रहे थे, उन्होंने तो इतनी कंप्लेन नहीं की थी। लेकिन शिवाशीष उठ जाता है, नहीं नहीं मुझे जोर से हर्ट हुआ है और मैं नहीं टास्क कर सकता, मुझे लगा है। और कृति को तो बहुत ही बुरा फील हो रहा था शिवाशीष के बारे में, और इतने नाजुक से बंदे को कितना सारा हर्ट हुआ है, कितना सारा सहना पड़ा है, और वो शिवाशीष को विनर बोल देती है क्योंकि वो विन हुआ है और उसको लगा है इसकी वजह से मैं शिवाशीष को विन बोलती हूँ। और शिवाशीष तो 2 मिनट में ही उठ जाता है, फिर भी उसको रिंग मिल जाती है, बेचारे सिंगल्स एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि मेजॉरिटी तो उधर है, चेयरअप करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, और सबा एक फॉर्मूला अपनाती है, पाउडर पूरा फेंक देती है सोमी के बाद, दीपिका को अंदर रखती है, अंदर रखने के लिए ट्राई करती है, और दीपिका भी श्रीशांत को बोलती है आप मत आओ, श्रीशांत उनके बीच में आना चाहता है तो वो बोलती है मत आओ। वो उनका सिंगल का थोड़ा टीम स्पिरिट अच्छा लगता है देखने को, एक दूसरे को अच्छे से संभालते हैं, कुछ कोई अब्यूज़ कर रहा है तो आप ऐसा मत करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे वैसे श्रीशांत को बोल देते हैं। श्रीशांत जो स्ट्रैटेजी बोल रहा था, बाहर नहीं आ रहा था लेकिन पूरा फुटेज ले लिया था उसने, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज उसने बोले थे वो करेक्ट थे। नेहा भी कल बोली थी बॉडी बिल्डर तो एकदम कुछ नहीं है उसमें, वो तो एकदम सच निकला। नेहा कल बहुत ही अच्छा खेली, फर्स्ट डे भी उसने एकदम अच्छे से खेला था और नेक्स्ट डे भी वो अच्छा खेली। इमिडिएटली जाके वो शिवाशीष को सॉरी बोल देती है, गलती से लगा था और मेरा कुछ इसमें इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था, और लगा भी था तो इसकी वजह से शिवाशीष पूरे हाथ पैर मार रहा था, अगर हाथ पैर मारेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ तो इधर उधर हो ही जाएगा। वो जोर जोर से इतना एग्रेसिव हो रहा था, इतना जोर से पैर मार रहा था, बकेट जोर से फेंक रहा था, और क्या गालियां दे रहा था करण को, बहुत सारी गालियां दी। करण बोलता है ये तो गालियां दे रहा है, हमें निकलना चाहिए यहाँ से, या ऐसे हम नहीं खेल सकते। फिर भी शिवाशीष ही विन हो जाता है क्योंकि संचालक तो बहुत ही बढ़िया थे। उसके बाद आ जाती है उर्वशी, दीपक और उर्वशी में से उर्वशी
टिट फॉर टैट हुआ कल उर्वशी को, उन्होंने कुछ भी ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया क्योंकि उर्वशी ने भी उन्हें टॉर्चर नहीं किया था। वो स्लोली उसे शैम्पू कर रहे थे, स्लोली पानी फेंक रहे थे, बाद में थोड़ा सा पानी फेंका, लेकिन इन तीनों की तरह उन्होंने टॉर्चर नहीं किया उर्वशी को। तो उर्वशी को तो बैठना ही था, तो उर्वशी ने एक रिंग ले ली। एक्चुअली सिंगल्स को अगर उर्वशी को टॉर्चर नहीं करना था तो वो रोमिल या निर्मल में से किसी को ले सकते थे, लेकिन करण बोला कि हम उनको फुटेज नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने लिया नहीं। एक्चुअली रोमिल को ज़्यादा टारगेट कर सकते थे, पुलिस वाले को तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, वो तो थर्ड डिग्री जैसे बैठ सकता है। खुद भी कल कैसे थर्ड डिग्री जैसे ट्रीट कर रहा था, तब तो कोई नहीं बोल रहा था ऐसे मत मारो, कृति तो बिल्कुल नहीं बोल रही थी, लेकिन आज कृति को किसी को भी हाथ लगाते समय, किसी को भी ऊपर पानी फेंकते समय आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कल तो उसको बुरा बिल्कुल नहीं लगा था। और उर्वशी भी रिंग ले लेती है, तो दोनों के पास, जोड़ी के पास भी और सिंगल के पास भी दो रिंग्स हो जाते हैं गोल्ड के। कल उन्होंने भी दो दो रिंग ही लिए थे और आज भी सेम हुआ, दो दो रिंग्स। तो बिग बॉस बोल देते हैं कि टाइम के हिसाब से आज विन घोषित किया जाएगा, कौन विनर है ये बोल दिया जाएगा। तो सिंगल्स विन हो जाते हैं क्योंकि नेहा और करण तो ज्यादा देर बैठे होते हैं, इसलिए नेहा और करण तो ज्यादा देर बैठे थे इसलिए सिंगल्स विन हो जाते हैं। और कितना भी कुछ भी करो, छुपन छुपाई करो, गालियाँ दे दो, चीटिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन सिंगल्स विन हो गए, जो जिन उन्होंने अच्छे से खेला था इसलिए विन हो गए। और कल के जो उनके स्ट्रेटजीज थे उसके बारे में भी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, क्योंकि सिंगल्स ने जो किया वो उनके हिसाब से करेक्ट ही था, क्योंकि सामने वालों को जैसे ट्रीट होना चाहिए वैसे ही उन्होंने किया था। वो अच्छी तरीके से पेश आते तो उनको कमज़ोर समझने लगते शायद, या फिर इमेज की वजह से वो खुद को ऐसा कर रहे हैं, इमेज की वो बहुत परवाह करते हैं, ऐसे वैसे बोल देते। उससे जो आपने किया है वो आपको बैक, कर्मा हिट्स बैक होना ही चाहिए, इसलिए उन्होंने वो अच्छा ही किया। उसके बाद दीपक और उर्वशी का डिस्कशन चलता है और दीपक तो इधर उधर का, इधर थोड़ा उधर थोड़ा, इधर थोड़ा उधर थोड़ा जाके बोलता ही है, उर्वशी को बोलता है ये लोग मुझे बोल रहे हो। तो उन्होंने भी उन्हें ज़्यादा टॉर्चर किया था सिंगल्स को, तो सिंगल्स भी उन्हें ज़्यादा करेंगे ही, उर्वशी जो बोलती है वो करेक्ट था। और दीपिका कल बहुत रो रही थी, इतना सारा मुझे बोलते हैं, मुझे टारगेट करते हैं, बहुत सारा उन्होंने बोला पहले दिन से मुझे टारगेट करते, वो तो सही था। एक्चुअली दीपिका को रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रही थी, अच्छे से जा रही थी, और वही वो जोड़ियाँ चाह रही थी कि वो अच्छे से नहीं जाए, वो नहीं खेले, वही वो चाह रहे थे, इसलिए उसको टारगेट कर रहे थे। लेकिन दीपिका अपना गेम खेल ही रही थी और सुशांत बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रहा था, बोल रहा था कि आप कोई भी कुछ भी बोले आप उनके ऊपर ध्यान मत दो, आपको खाली खेलना है, अच्छे से खेलना है। और ऐसे सिंगल्स की टीम जीत गई। उसके बाद रात में एक बहुत ही, जो सृष्टि के बारे में रूबीना ने बताया था पहले ही दिन, बहुत ही हिलेरियस थी उनकी रात। डर रहे थे क्योंकि सृष्टि के बारे में रूबीना ने ऑलरेडी बोल रखा था कि वो स्लीप वॉक करती है, और वैसे ही हुआ, वो स्लीप वॉक करती है, सब लोग हंसते हैं, सबा और सोमी तो हम उधर नहीं सो सकते वगैरह कुछ कुछ बोल के उधर से डिस्कशन चलता है उनका। फिर सृष्टि को उठाते हैं, सृष्टि बोलती है क्या किया था क्या मैंने, वो तो बहुत ही अजीब लग रहा था, रियल में वो ऐसा करती है, वो हमें देखने को मिला अभी, पता नहीं वो बिग बॉस में जब तक रहती है तब तक ये तो चलेगा ही। कैप्टनसी का डिस्कशन चलता है सिंगल्स में, तो नेहा बोलती है, नेहा को एक्चुअली पता नहीं होता कि वो सोचती है अभी इस वीक में शायद करण सेफ हो जाएगा, और वो बोलती है मैं करण को कैप्टन बनाना चाहूँगी, वो सेफ हो जाएगा। लेकिन बाद में उसे पता चलता है दीपिका से कि नेक्स्ट वीक के बारे में है ये, तो बोलती है मुझे तो तुम्हें प्रेफर करना चाहिए था क्योंकि वो लोग तुम्हें टारगेट करते हैं, हम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है, हम बाद में खुद हम दोनों एक दूसरे का कॉम्पिटिशन बन जाए, देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा था कल का डे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय।